नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोइत्रा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज मीडिया को संबोधित किया। मीडिया को संबोधित करते हुए सीएम केजरीवाल ने दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा अपने उस फैसले को बदलने पर भी बात की, जिसमें उन्होंने दिल्ली सरकार के अस्पताल में सिर्फ दिल्ली में रहने वालों के इलाज की बात कही थी। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार ने पहले दिल्ली के अस्पतालों में केवल दिल्ली वालों का इलाज कराने की घोषणा की थी, जिसे उपराज्यपाल ने पलट दिया था। उपराज्यपाल ने आदेश जारी किया कि दिल्ली के हर अस्पताल में सबका इलाज किया जाए। उन्होंने कहा कि ये लड़ने का वक्त नहीं है। सोमवार को केंद्र सरकार ने दिल्ली की कैबिनेट के उस निर्णय को पलट दिया और केंद्र सरकार ने एलजी साहब ने आदेश जारी किया है कि दिल्ली के हर अस्पताल में सबका इलाज किया जाएगा। मैं देख रहा था टीवी पे, कुछ लोग कह रहे थे कि केंद्र सरकार दिल्ली की कैबिनेट के फैसले को पलट नहीं सकती। एलजी साहब के पास दिल्ली के फैसले को, दिल्ली में चुनी हुई सरकार है, अभी कुछ महीने पहले चुनाव हुए थे जिसमें 62 सीट आई थी, दिल्ली की चुनी हुई सरकार के कैबिनेट के निर्णय को एलजी साहब या केंद्र सरकार पलट नहीं सकते। कुछ लोग ऐसा कह रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे कि दिल्ली में खुद इतने सारे केस हो रहे हैं, दिल्ली के लोगों को खुद इतने बेड्स की ज़रूरत पड़ेगी। मेरा अब ये कहना है, केंद्र सरकार ने निर्णय ले लिया, एलजी साहब ने आदेश पारित कर दिया, ये समय असहमतियों का समय नहीं है, ये समय एक दूसरे से डिफर करने का समय नहीं है। अब जो निर्णय हो गया केंद्र सरकार का, एलजी साहब ने जो आदेश दे दिया उसको लागू किया जाएगा। एलजी साहब के आदेश को अक्षरशः लागू किया जाएगा, केंद्र सरकार के निर्णय को लागू किया जाएगा। अब इस पर कोई असहमति नहीं करनी, अब इस पर कोई वाद विवाद नहीं करना, अब इस पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना। ये सब लोग, मैं जितने सरकार के अंदर भी हैं, जितने पार्टी के लोग हैं, मैं सबको मैसेज देना चाहता हूं कि एलजी साहब के आदेश को लागू किया जाएगा, केंद्र सरकार के निर्णय को लागू किया जाएगा। गौरतलब है कि रविवार को अरविंद केजरीवाल सरकार ने ये फैसला लिया था कि दिल्ली के सरकारी अस्पताल में सिर्फ दिल्ली के ही लोगों का इलाज होगा, जिसे सोमवार को दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने पलट दिया था।